मध्य प्रदेश के उज्जैन में मंगलवार की रात नगर निगम और प्रशासन की टीम ने एक बड़ी कार्यवाही की। कांग्रेस के पूर्व पार्षद और होटल व्यवसायी गुड्डू कलीम की हत्या के बाद उनकी दोनों होटलों को सील कर दिया गया है। बता दें, नगर निगम और प्रशासन की टीम ने इस कार्यवाही को रात लगभग 11 बजे अंजाम दिया। टीम ने बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मिलकर पहले होटल प्रेसिडेंट को सील किया और उसके बाद ब्लू स्टार होटल को भी सील कर दिया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी दानिश के एक आवेदन के बाद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए पुलिस की ओर से नगर निगम कमिश्नर को दोनों होटलों को सील करने के लिए आवेदन दिया गया था, जिसके बाद इस बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि संपत्ति विवाद के चलते वजीरपार कॉलोनी निवासी पूर्व कांग्रेस पार्षद कलीम उर्फ गुड्डू की 11 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुड्डू को गोली मारने वाले छोटे बेटे दानिश के अलावा हत्या के षड्यंत्र में शामिल पत्नी नीलोफर, बेटे आरिफ उर्फ मिंटू, समदी नासिर लाला और अन्य आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।